सो गाइस आटे के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई को गैस चूल्हे पर रख दिया है। अब दोस्तों याद रखें, आपको चूल्हे की आंच कम से कम रखनी है क्योंकि हमें इसमें आटे को भूनना है। तो यहाँ पर हमने एक कप आटा भी इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम आटे को बिल्कुल हल्की आँच पर भूनेंगे। इस आटे के पेड़े को बनाने के लिए ना तो हम चाशनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें मावा डालेंगे। हम बिना मावा और बिना चाशनी के बहुत ही स्वादिष्ट आटे के पेड़े आपको बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप घर में इस तरीके के आटे के पेड़े बनाएंगे तो आपके परिवार को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आटा हम भून रहे हैं अच्छी तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आटे का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगता है, इसके साथ ही हमें इसमें देसी घी भी डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक चम्मच देसी घी इसमें डाल दिया है। अगर आपको देसी घी बनाना नहीं आता है तो इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से आप घर पर मलाई इकट्ठी करके बहुत ही आसान तरीके से देसी घी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें एक चम्मच और देसी घी डालेंगे। तो दोस्तों याद रखें, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ही देसी घी डालना है और इसके बाद इसको मिक्स करना है क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें डेले टाइप के बन जाएंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, आपको चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और फिर हम इसे दोबारा से भूनेंगे। चलिए अब हम इसमें और घी डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो समय लगेगा वो सिर्फ आटा भूनने में ही लगेगा। जब आपका आटा भून जाएगा इसके बाद आपके पेड़े बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो हम आपको कम से कम समय में वीडियो बनाकर दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अब ये आटे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसमें देसी घी डालते हैं तो मतलब इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा डबल हो जाता है। फिलहाल अगर आप देसी घी इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का कोई और घी भी इसमें डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम इस भुने हुए आटे को ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा जायफल का पाउडर और थोड़ा हरी छोटी इलायची का पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस आटे में मिला देनी है। तो चलिए हम इनको आटे में डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आटे में इन दोनों चीज़ों को मिला दिया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है मिल्क पाउडर। तो दोस्तों ये हमने 5 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये आपको आपके घर के आसपास किसी भी दुकान पर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो चलिए हम मिल्क पाउडर को भी इस आटे में अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो हमने आटे में मिल्क पाउडर मिला दिया है, इसके साथ ही हमने 1 कटोरी बूरा लिया है। अब इस बूरे को भी हमें इस आटे में मिला देना है। तो दोस्तों याद रखें, आटा ठंडा होने के बाद ही आपको ये दोनों चीज़ें इसमें डालनी हैं और इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम दोस्तों इसमें बनाएंगे पेड़े। तो पेड़े का आकार तो आपको पता ही होगा किस तरीके का होता है। तो इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं। तो हम अपने हाथों पर भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि ये पेड़े का जो आटा है हमारे हाथों पर ना चिपके। तो चलिए हम इसे पेड़े का आकार देते हैं और आपको पेड़े बनाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितनी आसान तरीके से आपको मात्र 3 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे पेड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बूरा लेके इस पेड़े के ऊपर लगाते रहेंगे और पेड़े को बनाकर रखते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पेड़े का आकार भी इसको दे दिया है। तो आप इस तरीके से घर बैठे बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े बना सकते हैं। और दोस्तों ये हलवाई के पास बिकने वाले पेड़े से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि आपके घर पर ये तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से आप घर पर ही पेड़े बना सकते हैं। और दोस्तों अच्छी बात यह है, इस पेड़े को बनाने के लिए आपकी ज़्यादा लागत भी नहीं लगी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई रेसिपी वाली वीडियो लेकर आता रहूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।